दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चीन जब तब हमला कर रहा है, ऐसे में चीन के सामान का बॉयकॉट किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें चीन का सस्ता सामान नहीं चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला किया है और कहा कि हमें चीन का सस्ता सामान नहीं चाहिए, हम भारत में भी सामान बना सकते हैं। के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय सारा सामान चाइना से खरीद रहे हैं, चाइना को शाबाशी दे रहे हैं। चाइना कुछ तो मजबूरी है इन लोगों की जो भारत को इन्होंने इस तरह से उनके सामने है। हमारे सैनिकों की जान की भी इनकी कोई परवाह नहीं है। कहते हैं चाइना से माल सस्ता आता है, अरे नहीं चाहिए हमको सस्ता माल, हम भारत का माल खरीद लेंगे चाहे कितने में भी बने। हमारे भारत के लोग जो हैं वो कट्टर देशभक्त हैं, अपने सैनिकों की जान की कीमत है हमारे लिए, हमें नहीं चाहिए चाइना का सस्ता माल। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डबल कीमत पे भी अगर हमारे देश के अंदर माल बनेगा, हम डबल कीमत पे खरीद लेंगे अपने देश से माल। लेकिन चाइना से माल खरीदना बंद करो। आज मैं इस मंच के जरिए भारत के लोगों से अपील करता हूं कि चाइना के माल का बॉयकॉट करना शुरू करो। भारतीय जनता पार्टी से अपील करता हूं, इस तरह से अपने को गिरवी मत रखो, इस तरह से चाइना के सामने अपना सर मत झुकाओ। ये पार्टी जिस तरह से चाइना के सामने सर झुका रही है, भारत पूरा देश को एक साथ लो, एक एक भारतीय चाइना का सामान बायकॉट। और ये आने वाला ये 21वीं सदी है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि एक देश दूसरे देश की जमीन पे कब्जा कर लेता है। ये सारा इकोनॉमी का खेल होता है, सारा व्यापार का खेल है। जिस दिन हमने चाइना को आंख दिखानी शुरू कर दी और ये 95 बिलियन डॉलर्स का इम्पोर्ट जो हम चाइना से कर रहे हैं, ये इम्पोर्ट हमने करना बंद कर दिया, चाइना को अपनी औकात पता चल जाएगी। जितने चोर उचक्के हैं उनको नहीं पकड़ेंगे, चोर उचक्कों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, चोर उचक्कों को संरक्षण देंगे। और जो ईमानदारी से काम करना चाहता है इस देश के अंदर, ईमानदारी से उद्योग चलाना चाहता है, ईमानदारी से इंडस्ट्री चलाना चाहता है, ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है, उसके पीछे ईडी छोड़ देंगे, उसके पीछे सीबीआई छोड़ देंगे। वो बेचारा हाथ जोड़ के देश छोड़ के चला गया। इधर चाइना को, चाइना से हाथ मिलाते हैं, लेकिन जो लोग हमारे देश के अंदर व्यापार कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, देश के बच्चों को रोजगार दे सकते हैं, उनके पीछे ईडी छोड़ दी, वो सारे देश छोड़ छोड़, ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।